महारानी कैकेयी नहीं बदली, तो मंथरा ने कैसी बात कही जिसको सुनकर महारानी कैकेयी की बुद्धि बदल गई। ऐसा क्या कहा मंथरा ने? मंथरा ने कहा, महारानी सुनो, तुमने श्री राम के विषय में तो बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन जिस पुत्र को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया है उस भरत के विषय में कभी कुछ सोचा है? उस भरत के विषय में कुछ सोचा है? देखो, यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारे भरत की दो ही स्थिति होगी, लोकांतरम नायिता देशांतरम नायिता लोकांतरम मथापि वा, या तो भरत को देश निकाला दे दिया जाएगा या भरत को मार दिया जाएगा, तुम्हारे भरत को मृत्यु दी जाएगी। और यह ऐसी बात थी जिसको सुन करके महारानी कैकेयी की बुद्धि बदल गई। जो महारानी कैकेयी राम राज्याभिषेक की बात सुनकर उत्साह आह्लाद और आनंद में डूब रही थी, उनका सारा आनंद तिरोहित हो गया। दीर्घ मुष्णम विनिश्वस्य मंथरा मिदम अब्रवीत, महारानी कैकेयी क्रोध में आ गई। एव मुक्त्वा तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना, उनका चेहरा क्रोध से जलने लगा, जोर जोर सांस खींचने और छोड़ने लगी और कहती है, मंथरा मैं राम को राजा बनने नहीं दूंगी, मैं राम को राजा बनने नहीं दूंगी। लेकिन एक बात बता मंथरे, हमारे पास तो एक ही रात का समय है, कल सुबह राम राजा बन जाएंगे, हम ऐसा क्या करें कि राम राजा ना बने मेरा भरत राजा बन जाए? मंथरा ने कहा, महारानी बस मैं जैसा कहती हूं वैसा करो, कथा तो सुनाती हो और भूल जाती हो। एक बार आपने कथा सुनाई थी, वैजंतपुर का एक राजा था, नाम था शंबरासुर। उसका देवताओं से जब संग्राम छिड़ा तो उस देवासुर संग्राम में देवताओं ने महाराज श्री दशरथ से सहायता मांगी। महाराज श्री दशरथ उस देवासुर संग्राम में भाग लेने के लिए गए थे। उस शंबरासुर का नियम था, पहले योद्धा को मूर्छित करता था, अपहरण करके वध करता था। उसने अपनी माया से महाराज को भी मूर्छित कर दिया था, लेकिन जब अपहरण करने के लिए आया तो आपने अपने युद्ध कौशल के बल से महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो प्रसन्न होकर आपसे दो वरदान मांगने के लिए कहे थे, लेकिन आपने वरदान न लेकर के थाती के रूप में, धरोहर के रूप में सुरक्षित रख दिया था कि मैं जब चाहूं बाद में तब इस वरदान को मांग लूंगी। महारानी आज वह अवसर आ गया है, तुष्टेन तेन दत्तौ ते दौ बरौ शुभदर्शने, अरे कैकेयी वह थाती में रखे गए दोनों वरदानों का उपयोग कर लो। पहला वरदान मांगो कि मेरे भरत का राज्याभिषेक हो, तौ च याचस्व भरतारम भरतस्याभिषेचनम और प्रव्राजनम तु रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश, और राम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाएं। और सुनो, अब विलंब मत करो, क्रोधागारम प्रविश्याथ, पहले क्रोधागार में चली जाओ। क्रोधागार माने कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन माने आप समझते हैं क्या? कोप माने आप समझते हैं? नहीं, कोप माने क्रोध या गुस्सा। पहले राजाओं के यहां एक अलग से महल बना होता था जिसको कोप भवन कहते हैं। जब किसी भी महारानी को गुस्सा आए तो उसमें जाकर बैठ जाती थी और महाराज लोग समझ जाते थे कि आज महारानी गुस्से में हैं। अब आप समझ गए? ये जगह राजस्थान में मेरी कथा चल रही थी तो जो लड़का हम लोगों को मंच तक लेने के लिए जाता था उसने एक दिन सवाल पूछ लिया। उसने कहा, महाराज जी पहले के राजा लोग अलग से एक महल बनाते थे, उनकी रानी को गुस्सा आए तो उसमें जाकर बैठती थी। आज का लोग महल नहीं बनवा सकते तो घर में एक कमरा ही क्यों नहीं बनवा देते, कोप कक्ष, ये तो हो सकता है। मैंने कहा, पहले के रानियों को जीवन में एकाध बार क्रोध आता था, आज हर घर की कौन सी ऐसी रानी है जिनको बिना गुस्से का कोई दिन बीत जाए? तो अलग से भवन बनाने की जरूरत नहीं है, आज तो हर भवन ही कोप भवन है, हर भवन कोप भवन है।